सावन के महीने के पहले दिन बुधवार को गोरखपुर के गोरखनाथ महादेव, झारखंडी मुक्तेश्वरनाथ सहित कई शिव मंदिरों में सुबह से हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ी। भक्तों की भीड़ पूरे आस्था के साथ देखने को मिली। लोग अपने आराध्य और देवों को देव महादेव को जल के साथ साथ भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल सहित कई प्रकार की पूजा सामग्रियाँ चढ़ाए। दरअसल सावन को देखते हुए इस बार गोरखपुर में प्रशासन और पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। शिवालयों की साफ सफाई का काम मंगलवार को पूरा हो गया था। आज भी शिवालयों पर सुबह से कर्मचारियों की तैनाती रही ताकि कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस साल सावन में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। उस दिन श्रावण कृष्ण पंचमी है। दूसरे सोमवार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग है जो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अंतिम सोमवार को त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संधेत्वर दत्त तिवारी ने कहा, शंखेश्वर दत्त तिवारी प्रयागराज के तट से हैं। प्रयागराज और रीवा मध्य प्रदेश के मध्य एक डभौरा ग्राम है। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जलार्पण किया है बाबा वैद्यनाथ धाम में। अब गोरक्ष धाम गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने के उपरांत पशुपतनाथ काठमांडू जाना है, उसके उपरांत मुक्तिनाथ और तीर्थयात्रा में निकले हैं। इस मध्य में, इस दौरान में जो भी तीर्थस्थल मिलेंगे सबका आशीर्वाद लेंगे और सबका आशीर्वाद पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को मिले। आज बताया सावन का पहला दिन है, इसमें जरा जैसे करने का क्या मतलब, क्या विशेष महत्व है? निश्चित तौर पर पहला दिन किसी भी पर्व का, किसी भी मास का अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और धारणाएं, भावनाएं इन सब पर हावी होती हैं। भावनाएं निश्चित तौर पर प्रभु के प्रति सुदृढ़ होनी चाहिए और भोलेनाथ पर आस्था। भोलेनाथ सबसे दानी है, विश्वगुरु हैं, यही कामना सबके पास रहती है। सब इसी कामना के साथ चलते हैं कि सबका कल्याण हो, सब आशीर्वाद मिले।